भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ। एक तरफ क्रांति के गीत गाए जा रहे हैं, झंडा है, मुट्ठियां हवा में है विपक्ष यानी, और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है, सरकार का कहना है देश को तोड़ने की साजिश है। तमाम बातें हैं, इन्हीं बातों को आज समेटने की कोशिश करेंगे, एक सवा घंटे में आपके साथ रहेंगे। जी हाँ, ये मामला है टूल किट गैंग का, जो एक बार फिर से सामने आया है, और इस मामले में जिन आरोपियों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है या जिनकी तलाश पुलिस को है, उन्हें बचाने के लिए विपक्ष लामबद्ध हो रहा है। तो यह है क्या पूरा मामला, पहले ये, फिर मेहमानों से तारुफ और बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। देश विरोधी ताकतों को विपक्ष की शह, ग्रेटा गैंग से विपक्ष की मिलीभगत, टूलकिट कांड के कितने किरदार। 26 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ हुआ उसकी तह तक जाने के लिए जांच एजेंसियों ने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। खासकर टूलकिट गैंग का पर्दाफाश करने के लिए शक के तमाम रास्तों को खंगाला जा रहा है। स्वीडन की पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग के ट्विटर हैंडल से किसानों के आंदोलन को अफवाह की जो आंच देने की कोशिश की गई, उस आंच की जद में अब तीन बड़े किरदार निकल कर सामने आ रहे हैं, जिनमें पहला नाम है दिशा रवि का, दूसरा नाम है निकिता जैकब का और तीसरा नाम है शांतनु का। सबसे पहले जिक्र करते हैं दिशा रवि का। टूलकिट कांड में दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। दिशा रवि को जिन आरोपों के लिए गिरफ्तार किया गया उन्हें भी समझना बेहद जरूरी है। आरोप नंबर एक, दिशा रवि ने विवादित टूलकिट को सोशल मीडिया पर शेयर किया। आरोप नंबर दो, ग्रेटा थनबर्ग की विवादित टूलकिट को शेयर किया। आरोप नंबर तीन, टूलकिट के जरिए सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। आरोप नंबर चार, धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों के बीच टकराव के हालात पैदा किए। आरोप नंबर पांच, खालिस्तान समर्थक समूह पोएटिक जस्टिस से साठगांठ की। इन्हीं आरोपों ने दिशा रवि को जांच एजेंसियों के रडार पर ला दिया। टेलीग्राम चैट से यह भी बात पता चलती है कि 3 फरवरी को ओनर्स राइट लेकर टूल के डॉक्यूमेंट से जुड़े अकाउंट और लिंक हटा दिए गए हैं। इन तथ्यों के आधार पर दिशा को 13 फरवरी को बेंगलुरु से उनकी माता और लोकल थाने के SHO की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया। घर वालों और उनके वकील अभिषेक शेखरी को यह बताया गया कि अभिक को दिल्ली ले जाया जा रहा है। वह दिल्ली लाकर प्रोसीजर के मुताबिक उनका मेडिकल कराया गया और कोर्ट में पेश किया गया। उधर दिशा रवि की ही तरह टूलकिट गैंग की दूसरी किरदार है निकिता जैकब, जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। निकिता जैकब पर आरोप है कि उन्होंने विवादित टूलकिट को न सिर्फ एडिट किया बल्कि उसे शेयर भी किया। इतना ही नहीं, निकिता जैकब पर खालिस्तान समर्थक होने का भी शक है। निकिता पर आरोप है कि जांच में शामिल होने का वादा करने के बाद भी वो अंडरग्राउंड हो गई, जिसकी वजह से निकिता पर शक अब और ज्यादा गहरा गया है। जांच के दौरान इस टूलकिट के ऑनलाइन मौजूद स्क्रीनशॉट्स की पड़ताल की गई और जांच में पर्याप्त जानकारी मिलते ही इस टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट की एडिटर निकिता जैकब के विरुद्ध कोर्ट से सर्च वारंट जारी कराकर केस के IO समेत एक टीम को मुंबई भेजा गया और तलाशी के दौरान उनसे 2 लैपटॉप और 1 आईफोन मिले। जांच में यह भी बात निकल के आई कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के MO धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनित के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया। उधर टूलकिट गैंग के तीसरे किरदार यानी शांतनु की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। महाराष्ट्र के बीट के रहने वाले शांतनु पर टूलकिट एडिट करने का आरोप है। पुलिस को इस बात का भी शक है कि शांतनु का ताल्लुक खालिस्तान से भी हो सकता है। जांच शुरू होने के बाद से ही शांतनु फरार है। शांतनु के खिलाफ भी कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। दुनिया का मौसम सुधारने का दावा करते करते
ग्रेटा थनबर्ग ने तो भारत की फिजाओं में ही जहर घोलने का काम किया। उसने कई लोगों को अपने लपेटे में लिया है और यही वजह है कि जांच एजेंसियां भी अब दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती हैं, ताकि देश को बदनाम करने और उसके लिए साजिश रचने वालों का सच दुनिया के सामने आ सके। तो आरोप यह है कि जो 26 जनवरी को लाल किले पर हुआ वही कुछ सब कुछ, यानी जो उसकी रूपरेखा थी, यानी जो कैसे होना है, किसकी तरह क्या, जो उसका मोडस अपेंडी है, वो सब कुछ जो था वो मौजूद था टूल किट में। और यही एक सवाल है जिसको लेकर आज हम अपने मेहमानों के सामने हाजिर हैं। जो मेहमान हमारे, उनसे तारुफ करा दें। डॉक्टर के शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राधिका खेड़ा कुछ देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। संजीव झा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं, थैंक यू सो मच संजीव जी। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। और अरविंद वाजपेयी जी लोक जनशक्ति पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पेशे से वकील भी हैं, थैंक यू सो मच अरविंद वाजपेयी जी। सवाल ये है कि आरोप ये है, मैं भाटी जी आपके पास ही आना चाहता हूँ, आरोप ये है कि जो भी 26 जनवरी को हुआ, क्योंकि मुझे याद है ठीक उसके बाद जब हम शो कर रहे थे तो आपने कहा था इसकी जांच होनी चाहिए और जांच में दूध का दूध और पानी पानी, वो तमाम सारी की बातें आप लोगों ने कही थी। तो जो कि जांच में निकल के आ रहा है वो 26 जनवरी की जो हिंसा है, जो है अफवाह फैलाने का जो आरोप है, वो ट्वीट के जरिए जो भड़काऊ बातें कहने का जो एक मोडस ऑपरेंडी है वो इसके द्वारा टूल किट के जरिए मिल रहा है और ये आरोप है। अब आप इस बात से संतुष्ट हैं, लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि सरकार ज्यादती कर रही है। प्रतीक जी, दो बातें अलग अलग हैं दोनों विषय। एक, किसी आंदोलन में कुछ अप्रत्याशित हो जाना, अप्रिय हो जाना, थोड़ी बहुत हिंसा हो जाना या कहीं पथराव वगैरह इस तरह की घटनाएं हो जाना, ये भी गलत है। हम ये नहीं कह रहे इसका समर्थन कर रहे हैं, ठीक है, ये भी गलत है। किसी आंदोलन में शांति भंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उसको देशद्रोह बता देना, उसे देश के खिलाफ षड्यंत्र बता देना, उसमें विदेशी हाथ बता देना, उसे ग्रेटा गैंग और देश तो टुकड़े टुकड़े गैंग और इस तरह कह के उसको बदनाम करना या उन पर उनका शोषण करना, उनके ऊपर अत्याचार करना, ये एक अलग विषय है। आज पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंस रही होगी कि 21-21, 20-20 साल की लड़कियों से, बेटियों से, 18-18 साल की बेटियों से हमारे देश को खतरा पैदा हो गया, जो राजनीति में भी नहीं है, जो किसी संगठन से भी जुड़ी हुई नहीं है, जो किसी क्राइम में भी नहीं है जुड़ी हुई है। ये जो लड़की गिरफ्तार हुई है, भाटी साहब, बीच में नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता, और जब इतना ध्यान रखता हूँ, जब तारतम्यता टूटती है उससे, क्योंकि जो विचार लेके आदमी बैठा होता है वो ब्रेक होता है। लेकिन सामान्य घटना नहीं है 26 जनवरी, सामान्य घटना नहीं है 26 जनवरी। लाल किले पर तिरंगा ही फहरा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं फहराया जा सकता, और अगर फहराया जाता है तो वो राष्ट्रद्रोह है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसको कहने में कहीं कोई निसंकोच होकर बोलना चाहिए। और दूसरी बात, 21 बरस की बात आपने कही, लोगों ने कहा कि बुरहान वानी की उम्र 21 साल थी और अजमल कसाब की भी उम्र 21 बरस थी। ना मैं आ रहा हूं आम आदमी पार्टी में, बिल्कुल आ रहा हूं, एंड आई विल गिव यू चांस। ऑफ कोर्स हम सारे युवा लोग यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और सबने हवा में मुट्ठियां उठाई हैं, कोई भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे जितने पैनल में बैठे हुए लोग हैं ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने यूनिवर्सिटी में बैठ के नारे ना लगाए हो, तो हम सारे लोग उससे निकले हैं। लेकिन मुझे ये बताया जाए, मैं आ रहा हूं आपके, आपको एक चांस देता हूं भाटी जी। नहीं, जो आपने जो दो आतंकवादियों का नाम लिया, बुरहान वानी और दूसरा क्या नाम लिया, क्या ग्रेटा थनबर्ग और ये दिशा रवि का अपराध उनके बराबर है? क्या ये कहीं हिंसा कर रही थी? क्या ये कहीं हथियार इकट्ठे कर रही थी? आप ये मुझे बताइए, मुझे ये बताइए, लाल किले पे झंडा फहरा देना क्या अपराध नहीं है? तो फिर चलिए, फिर सब लोग फहरा देते हैं झंडा, अपने अपने झंडे लाते हैं। लाल, देखिए बिल्कुल बड़ी ईमानदारी की बात है, मैंने या किसी भी आंदोलनकारी ने या किसान आंदोलन ने किसी पार्टी ने दीप सिद्धू का समर्थन नहीं किया है प्रतीक जी। साजिश कहां पे थी? आप ही ने तो कहा था साजिश है, आप ही ने तो कहा था साजिश है।
मैं तो आज भी वही बात कह रहा हूँ, दीप सिंह ने जो अपराध किया उस अपराध का कोई समर्थन नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी हमारे साथ मौजूद है, हमको मत्था मार देना। ऑफ कोर्स वो आम आदमी पार्टी है, हमारे हमारे साथ बैठे मौजूद है। एक बात और बोलना था प्लीज। नहीं कोई प्लीज नहीं, जो गिरफ्तार हुई है इसकी दिशा रवि की ये खबरें आ रही हैं, ऑथेंटिक खबरें हैं। दिशा रवि के परिवार ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। अगर ये परिवार देशद्रोही था तो भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे रहा था? ये मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को, देखिए भारतीय जनता पार्टी को वो आज से आज की तारीख से 100 साल तक वोट देते रहे, चाहे वोट दे चाहे ना दे। मेरा सवाल सीधा है, चाहे कटघरे में कोई भी पार्टी खड़ी हो सकती है, कटघरे में कोई भी पार्टी खड़ी होगी, लेकिन अगर वो लाल किले पे झंडे को लेके जस्टिफाई करें, या के शर्मा मौजूद है, जस्टिफाई करेंगे अगर, क्या जस्टिफाई कर देंगे क्या झंडे को? जी मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। पहले आम आदमी पार्टी एंड देन हमने देखा हाथ उठाया उन्होंने, संगीत रागी जी ने। जी आम आदमी पार्टी, देखिए प्रतीक जी, आप लाल किला पे झंडा फहराया गया और सबने इसकी निंदा की और कहा इसकी जांच होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि देश को एक तरह से अघोषित आपातकाल की तरफ ले जाया जा रहा है। इक्कीस साल की बच्ची से क्या खतरा है? आप माफ कीजिएगा प्रतीक जी, आप तुलना कर रहे हैं उसको बुरहानवानी से। आप जानते हैं कि दिशा रवि 21 साल की बच्ची जो क्लाइमेट के लिए संघर्ष कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है, उसमें आपको बुरहानवानी दिखता है क्या? पूरी जिंदगी मैं तो आप हम सारे लोग तो गांधी की नहीं, हम सारे लोग तो गांधी का ही अनुसरण करते ना इस मुल्क में। उनसे बड़ा तो कोई, उनसे मैं आपको मौका दे दूंगा, पूरा मौका दूंगा, मैं बीच में नहीं टोकूंगा। इस मुल्क में गांधी से बड़ा तो कोई आंदोलनकारी है नहीं ना, कोई बड़ा जिसने आंदोलन का हम लोग अनुसरण ना करते हो। उसने भी कहा कि माध्यम पवित्र होना चाहिए, माध्यम की बात, मीडियम की बात कह रहा हूं। और आप ये बात कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? आप मुझे बताइए ना प्रतीक जी, कौन जस्टिफाई कर रहा है? आखिर टूल्स किट में ऐसा क्या था? क्या टूल किट में ये लिखा गया था कि ये तो धैर्य रखिए ना, जो भी रखिए ना, प्रतिक्रिया देने से पहले धैर्य रखेंगे ना, प्रतिक्रिया देने से पहले धैर्य रखेंगे, अपराध जो है अपराध मानेंगे ना। मेरा कौन नहीं कह रहा है अपराध अपराध है। मेरा ये कहना है कि जिस तरह से आप इस बात को दर्शाने की कोशिश कर रहा है, फैक्ट वो नहीं है। मेरा ये मानना है कि आज अगर पुलिस क्यों नहीं बताती है कि उस टूल किट में क्या था, क्या ऐसी बातें ली थी जिसके कारण ये देश विरोधी हो गया? बीजेपी देश है क्या? बीजेपी की सरकार देश है क्या? मेरा ये कहना है कि इस देश में डिसेंट का राइट एक एक सिटीजन को है। अगर बीजेपी की सरकार की जो काम करने की तरीके है उसमें मैं डिसेंट रखता हूं तो मैं देशद्रोही नहीं हूं। तो मुझे ये लगता है कि आज मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि बीजेपी के बहुत सारे नेता जो आपातकाल के समय में जेल गए थे, वो पट्टा लगा के घूम रहे हैं कि मैं आपातकाल के समय में जेल गया था, हमने इस देश के डेमोक्रेसी को बचाया। आज क्या कर रहे हैं आप? आज इस देश की जनता को हत्या करना चाह रहे हैं आप? तो मुझे यह लगता है अत्यंत शर्मनाक है। पुलिस को यह भी बताना चाहिए कि आखिर 21 साल की लड़की ने क्या ऐसा टूलकिट में लिख दिया जिससे उनको यह लग रहा है कि यह देश विरोधी गतिविधि थी या टुकड़े टुकड़े गैंग बताया जा रहा है। मुझे लगता है देखिए, 21 बरस की लड़की ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने जो दो नाम लिए उस पर लोगों ने कहा कि आप कैसे उसकी तुलना कर सकते हैं, हमको वोट डालने का अधिकार होता है। मैंने कहा गांधी का ऑफकोर्स वोट डालने का अधिकार है हमें, और हमको यह भी अधिकार है। मैंने एक नाम और लिया कि गांधी से ज्यादा बड़ा तो इस देश में कोई आंदोलन को लेकर चलने वाला व्यक्ति नहीं हो। मीडियम की तो बात वो भी कहता है। जी के शर्मा जी, देन कांग्रेस एंड देन जी, पहले आरएसएस से। जी जी मैं आ रहा हूं के शर्मा जी प्रतीक जी, आज सुबह से हम सुनते आ रहे हैं कांग्रेस के चाहे जो भी वरिष्ठ नेता है, कपिल सिब्बल हो, चिदम्बरम साहब हो, और यहाँ बैठे दो और पैनलिस्ट और तमाम नेता, ये बार बार ये 21 साल की लड़की, इससे देश को क्या खतरा है? 21 साल भारत इतना कमजोर है कि 21 साल की लड़की से वो हार जाएगा या टूट जाएगा? प्रश्न ये उठाया जाए। मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रतीक जी, आपने के शर्मा जी मैं आपको भी रोकूंगा, मैं आपको भी रोकूंगा, क्योंकि मैंने रोका बीच में, सबको रोका, मैं आपको भी रोकूंगा। अगर एक बड़ा बात यह है कि जिंदगी चाहे एक हो चाहे 100 हो, महत्वपूर्ण है। अगर 21 बरस की वो लड़की जिसमें तमाम सारी आशाएं अपार आकांक्षाएं हैं, अगर उसके खिलाफ आप सब्सटेंट नहीं कर पाते हैं, अगर वो आपके पास प्रूफ नहीं है, तो वो अपराध है। फिर
वो अपराध हुआ है, हो गया है। मुझे बात पूरा करने दीजिए प्रतीक जी, आप उस पे आ जाइएगा। वो तो बात का है कि अभी कोर्ट में वो आएगा और क्या क्या मामले होंगे और क्या निर्णय आएगा, उस पर आज बात करने की आवश्यकता नहीं। मैं तो उस बात की कह रहा हूँ, जब आपने ये कहा कि 21 साल के बुरहान वारी भी थे, 21 साल का वो कशाओ भी था जिसने जो है इस तरह की घटना की। प्रश्न उम्र का नहीं है प्रतीक, प्रश्न मानसिकता का है, प्रश्न विचारधारा का है। आपकी मानसिकता क्या है? बुरहान वाली की मानसिकता क्या थी? उम्र से मत जाइए। ऐसे बहुत से आतंकवादी मारे गए हैं और पकड़े भी गए हैं, या स्लीपर सेल के लोग जो 17-18 साल के भी, वो किस मानसिकता से ग्रस्त थे, किस विचारधारा से ग्रस्त हैं, और उसके कारण से वो इस तरह का जो कृत कर रहे हैं जो देश के विरुद्ध, देश के हित में नहीं है। तो ये उम्र से नहीं इसका लेना देना है। आंदोलनकारी 70 साल का ही होगा या 50 साल का ही होगा या 41 साल का ही होगा तभी आंदोलनकारी कहलाएगा, ऐसा भी नहीं है। आंदोलन तो छात्र जीवन से भी चालू हो जाता। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग के ने जो नारे लगाए, क्या उसमें उम्र की कोई सीमा है? पर मानसिकता क्या है? देश की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए विदेशी षड्यंत्रों के साथ में जुड़ जाना, खालिस्तानी जो षड्यंत्रकारी है उसके साथ, धारीवाल के साथ उनका सीधा संपर्क हो जाना, जूम मीटिंग करके ये सारी योजनाओं को बनाना। अभी संजीव जी कह रहे हैं कि हमें टूल किट नहीं पता क्या है। टूल किट तो साहब एकदम ओपन है, उसमें है। आप भी गूगल खोल के पढ़ लीजिए उसमें क्या क्या कार्यक्रम लिखे हुए हैं, और वही कार्यक्रम का यहाँ पर वो घटित नहीं हुए। मैं आ रहा, और बाकायदा ये भी कहा गया, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, क्योंकि शर्मा जी आ रहा हूँ। एक बात पूरा कर दूंगा, जिस समय 26 जनवरी के दिन ये घटना घट रही थी, खालिस्तान समर्थक एमओ धारीवाल वही कनाडा में बैठकर यही भाषण दे रहे थे, और ये भी उनके द्वारा कहा गया कि यदि किसान आंदोलन में तीनों बिल वापस भी हो जाते हैं तो भी जो है इसको समाप्त नहीं करना है, हमें खालिस्तान की मांग आगे बढ़ानी। संजीव कुछ कहना चाह रहे हैं? संजीव कुछ कहना, ऑफकोर्स आई हैव टेकन ओवर। संजीव कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत जल्दी जोड़िए फिर जी, फिर राधिका के बाद जाऊंगा जी। कि उम्र का तकाजा देख, राइट राइट, उम्र वाली बात आपने ली। संजीव, संजीव कुछ कहना चाह रहे हैं जी? संजीव कहिए। मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि जिस टूल किट की बात हो रही है, आखिर उस टूल किट में दिशा ने ऐसा क्या लिख दिया जो देशद्रोह जैसी बातें हो गई? पुलिस को बताना चाहिए ना क्या अपराध है उसका। टूल किट में कोई एटम बम फट जाएगा? मेरा ये कहना है कि जो दिशा जो डॉक्यूमेंट शेयर करने की बात कर रहे हैं, आखिर क्या लिखा था उस डॉक्यूमेंट? संगीत रागी, संगीत रागी, उन्होंने कहा जिससे लगता है कि देश को खतरा हो गया। संगीत रागी, पुलिस के संगीत रागी, ऐसा क्या हो गया कि 21 बरस की लड़की से तमाम सारी एजेंसियों को खतरा, देश को खतरा, रादर देश को खतरा हो गया? ऐसा क्या लिख दिया उसने जो तूफान खड़ा हो गया? प्रोफेसर संगीत रागी, देखिए प्रतीक जी, सबसे बड़ी बात तो हमको इस बात से इसकी शुरुआत करनी चाहिए कि क्या कानून का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी बात, क्या सरकार को बदनाम करने का, आंदोलन करके सरकार को तंग करने का, बदनाम करने का हर विपक्ष को अधिकार है, वो कर सकता है। लेकिन क्या सरकार को अस्थिर करने का कोई इसके पीछे षड्यंत्र था? गणतंत्र दिवस पर जो कुछ भी हुआ, अभी एक पैनल बंधु बोल रहे थे कि दुनिया हम पर हंस रही होगी, क्या उस दिन दुनिया हंस नहीं रही होगी जहां पर हमारे तिरंगे को उतार करके और एक प्रकार का तांडव मचाया गया? नहीं, तिरंगा नहीं उतारा गया, गलत बयानी मत करिए, तिरंगा नहीं उतारा दिया गया। एक मिनट प्लीज, मैंने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया था, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। मैं गलत नहीं उतारा गया था, आप गलत ना बोला, मेरा निवेदन है आपसे। सर, तिरंगा उतारा गया था, ये पूरी दुनिया को इसका वीडियो पूरा 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 देखा है लोगों ने। पुलिस भी मना कर रही, पुलिस। सबसे बड़ी बात, कोई वीडियो नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उस दिन की अव्यवस्था में एक षड्यंत्र था या नहीं था? और सवाल एक बच्ची का नहीं है, सवाल दो बच्ची का नहीं है, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। आखिर जो राजीव गांधी की हत्या की थी उसकी उम्र कितनी थी? जिन लोगों ने 9/11 को अंजाम दिया था उनकी उम्र कितनी थी?
उनकी भी उम्र 24-25 साल की थी, वो भी इंजीनियर थे। तो इसका उम्र से मत ये लीजिए। और कोई एक व्यक्ति क्या कर सकता है, दो व्यक्ति क्या कर सकता है? हमने देखा है कश्मीर के अंदर कितने कितने बड़े बड़े टेररिस्टों के नायक खड़े हो गए हैं जिनकी उम्र 18 साल की रही है। तो इससे लेना देना नहीं है। सवाल यह है कि हमारे गणतंत्र की पवित्रता को भंग किया या नहीं किया। उस गणतंत्र की पवित्रता को भंग करने में क्या बाहर की ताकतें और देशी ताकतें दोनों एक साथ सुनियोजित तरीके से काम कर रही थी या नहीं कर रही थी? ये बड़ा सवाल है। और इसका निर्णय तो कोर्ट ही कर सकता है, पुलिस उस पर एक्शन कर रही है। राइट राइट। कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा। प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बैठे हुए पैनलिस्ट जो भाजपा सरकार की आवाज है और उनकी जो विचारधारा से भी जुड़े हुए हैं, उनसे पूछना चाहूंगी, ये किसका देश है? ये महात्मा गांधी जी का देश है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का देश है, लाल बहादुर शास्त्री जी का देश है, नेहरू जी का देश है, कि गोडसे का देश है? ये किसका देश है? हमने बचपन से जो पढ़ा है और हमारे पूर्वज जो जीते आए हैं वो ये जीते आए हैं। राधिका 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 राधिका, गोडसे का तो हो ही नहीं सकता। जो राष्ट्रपिता की हत्या करे वो उसका देश कैसे हो सकता है? वो कैसे हो सकता है उसका देश? तो ये सवाल ही बेतुका था। जो राष्ट्रपिता की हत्या करे उसको उसको उसका उसका देश कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। इसमें किंचित 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 भी संदेह नहीं है, और कम से कम मेरी डिबेट में तो हो ही नहीं सकता। प्रतीक जी, ये सवाल जरूर उठता है क्योंकि पूरा देश देखता है। संसद में एक महिला बैठी है जो इस देश की जो कहती है गोडसे जिंदाबाद, इन्हीं की पार्टी की है और उनको डिफेंस के एक वो कहती होंगी, वो कहती होंगी, मैं नहीं मानता। वो कहती होंगी, मैं नहीं मानता। वो कहती होंगी, मैं नहीं मानता। जी, मैं एक एक मिनट, मैं तुम्हें रोकना चाहूंगा। एक मिनट राधिका, मैं रोकना चाहूंगा। प्रोफेसर संगीत रागी कुछ कहना चाहते हैं? जी जी प्रोफेसर, प्रोफेसर संगीत रागी। प्रतीक जी, ये देश न सिर्फ गांधी का देश है, ये न सिर्फ देश सरदार पटेल का देश है, ये न सिर्फ नेहरू का देश है। लाखों करोड़ों लोगों ने इसके लिए अपने यज्ञ में, इस मां भारती के लिए कुर्बानियां दी हैं, अपने यज्ञ होम किया है। प्लीज ये बता दीजिए राधिका जी, आप तो बहुत पढ़ी लिखी प्रवक्ता हैं, थोड़ा सा बोल लेने दीजिए। आप जब मेरी बात के बीच में बोल रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, बात को घुमाइए मत। रागी साहब बेबाक बोलते हैं, सीधा सीधा बताइए, क्या ये गोडसे का देश है, हाँ या ना? हिम्मत है तो नेशनल टेलीविजन में ये बताइए, क्या ये गोडसे का देश है, हाँ या ना? प्रतीक जी, अभी डिबेट में मैं आगे चर्चा करूंगी। आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि राजेंद्र बाबू को नेहरू जी ने अपमानित किया, हाँ या ना? क्या ये बताने की कोशिश करेंगे कि श्रीमती गांधी ने कितने लोगों की बलि ले ली, हाँ या ना? क्या ये आप एक्सेप्ट करेंगी कि पंडित नेहरू ने इस देश को बेच दिया, हाँ या ना? क्या आप एक्सेप्ट करेंगी कि चीन के पास भारत का जो भूभाग पड़ा हुआ है वो नेहरू की देन है, हाँ या ना? क्या ये देश सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं बन सका क्योंकि नेहरू के पापों का प्रायश्चित देश आज भी भुगत रहा है, हाँ या ना? संगीत रागी का एक पाकिस्तान के पास चला गया, वो नेहरू के पापों का देश है। संगीत रागी, मैं रोकना चाहूंगा। राधिका राधिका राधिका, आपका चांस है। राधिका राधिका, ये फैसला क्योंकि आपने ना नहीं कहा राधिका, ये हो गया कि प्रोफेसर रागी जो आरएसएस के विचारधारक है वो ये मानते हैं कि ये गोडसे का देश है। अब मैं नहीं, आगे नहीं, की ये गांधी का देश करूंगी। ये गांधी का देश है, ये गांधी का देश है, एक बार गांधी का देश है। अरे अरे, इनके बोलने ना बोलने से कोई मतलब ही नहीं है। ये डिबेट मेरे पास है और इस डिबेट में मैं डिबेट में कह रहा हूँ ये गांधी का देश है, ये गांधी का देश है। इनके बोलने ना बोलने से कोई मतलब नहीं है। देश गांधी का दी गई थी ताकि सुबह अखबार नहीं निकले। वो पार्टी लोकतंत्र की बात करती है, वो ऐसे ही लगती है जैसे कोई शैतान जो है वो प्रवचन करने की बात कर रहा हो। यदि कांग्रेस पार्टी नैतिकता की बात करे, यदि कांग्रेस प्रति मूल्यों की बात करे, तो ऐसा ही लगता है कि कोई दुष्ट और शैतान जो है वो वेद मंत्र को उच्चारण करने की बात कर रहा हो। इतना ही काफी है। इस देश की जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको सबसे ज्यादा दलित और गंदा यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है।
राहुल गांधी की आप जरा देख लीजिए, राहुल गांधी जैसा व्यक्ति संसद के अंदर बोलता है तो लगता है कोई जोकर बोल रहा हो। कोई कोई गंभीर संगीत रागी ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं आपकी, व्यक्तिगत आरोप नहीं, बिल्कुल व्यक्तिगत आरोप नहीं जी। बोल की लब आजाद है तेरे, बोल की इज्जत जिंदा है, अब तक वो डरे हैं देश नहीं, प्रतीक जी, भारत चुप नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री को राहुल गांधी सद्दाम हुसैन कहते हैं, गद्दाफी से तुलना करते हैं, ये व्यक्तिगत आरोप नहीं है। वो बहुत गलत कहते हैं, वो गलत ना, मैंने कहा प्रधानमंत्री को कायर कहना सबसे लज्जाजनक बात है, राष्ट्रीय सबसे ज्यादा लज्जाजनक बात है, इससे ज्यादा लज्जाजनक कोई बात नहीं होगी। थोड़ी सी प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर प्रोफेसर संगीत रागी, शालीनता प्रोफेसर, बिल्कुल आई एग्री विद यू। अगर किसी प्रधानमंत्री को कोई अगर प्रधानमंत्री को कोई ये कहता अपमानजनक शब्द, वो देश का अपमान करता है, वो झंडे का और यहाँ के जो प्रतीक और मूल्य है, बिंब है, उन सबका अपमान करता है, सबका अपमान करता है। राधिका, राधिका प्रतीक जी, मैंने ये बात क्यों गिनवाई, क्योंकि इस पे चाल चरित्र चेहरा और विचारधारा सब सामने आ गई। बाकी पैनलिस्ट विचारधारा की बात कर रहे थे, बहुत चीजें कर रहे थे। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या सरकार के लिए गांधी जी की सीख, सरदार वल्लभ भाई जी की सीख, क्या उनके सिर्फ नाम के लिए है, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाने के लिए है? क्या सीखा है मोदी जी ने उनसे? आते तो उन्हीं के गुजरात से ही है, पर सीखते क्या है? आवाज दबाना। हमने तो शुरू से यही सीखा है कि गांधी जी ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ये सिखाया है कि अपने हक की आवाज उठाए, अपनी लड़ाई लड़े, सरकार कोई हक नहीं बनता कि वो किसी की भी आवाज दबाए, जब तक कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा, जब तक वो कुछ गलत नहीं कर रहा। कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके की वायलेंस के साथ नहीं देती, और हम उस बात का भी साथ नहीं देते जो दंगे कराती है, या कोई भी चीज या विचारधारा हो, और किसी भी तरीके से हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हम नहीं सहते। लेकिन आज ही की एक ट्वीट पढ़ के बताती हूँ, मैं 10 सेकंड बोलना चाहूंगा प्रतीक जी, मुझे 10 सेकंड का जवाब, आई विल गिव यू टाइम, आई विल गिव यू टाइम आफ्टर राधिका, 10 सेकंड बस, 10 सेकंड सर, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू टाइम, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू टाइम। हम देशभक्तों के बीच में ना बोले। अनिल विज साहब ने आज क्या कहा प्रतीक जी? उन्होंने कहा, देश विरोधी का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश कर देना चाहिए, फिर चाहे वो दिशा रवि हो या कोई और। क्या अनिल विज साहब ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो दोषी है? क्या वो कह रहे? अब ये बताइए, क्या ये इंसाइट नहीं कर रहा वायलेंस? क्या ये कह नहीं रहे लोगों को कि जाइए इसका नाश करिए? ये क्या है? ये मंत्री है हरियाणा के, और उसी हरियाणा के प्रतीक जी जहाँ पे बेटी बचाओ के नारा की स्थापना करी गई थी। ऑडियो डाउन आप ही के हरियाणा की एक मंत्री, वो नेता है ना कांग्रेस की, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, वो क्या कह रही है कि किसानों को भी जाके शराब बांटिए? यही तो कहा उन्होंने, किसानों को जाके शराब भी बांट दीजिए, यही तो कहा ना उन्होंने, यही तो कहा उन्होंने ना। तमाम किसान के आंदोलन को आप घेरे में लाके खड़ी करते थे। आप ऑफकोर्स आई विल गो राधिका, राधिका टू दी पॉइंट, राधिका टू दी पॉइंट आए, टू दी पॉइंट आए, बिल्कुल गलत कहा, टू दी पॉइंट। मैं राधिका टू दी पॉइंट मैं बात करूंगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं आता हूं, अब बहस को आगे शुरू करेंगे। भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। राधिका बात कर रही थी, बीच में मुझे ब्रेक पे जाना पड़ेगा, मैं बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करूंगा राधिका। और वाजपेयी जी मैं माफी चाहता हूं आपसे कि मैं नहीं बात कर पाया, इसके बाद राधिका के बाद मैं आपके पास आता हूं। राधिका नाउ स्टार्ट। राधिका ऑडियो शायद आपकी नहीं आ रही है। प्रतीक जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही, मिल गया। नाउ यू स्टार्ट, नाउ स्टार्ट, नाउ स्टार्ट। प्रतीक जी, बीजेपी बीज भाजपा सरकार, मोदी जी की सरकार के पास अब एक खुद का टूल किट है, जो कि उठती आवाजों को, अपने हक के लिए उठती आवाजों को दबाने के लिए, अपना हक मांगती आवाजों को दबाने के लिए वो बखूबी बार बार इस्तेमाल करती है। और ये टूल किट से जो ये इतना शोर मच रहा है, क्या भाजपा का आईटी सेल ये टूल किट इस्तेमाल नहीं करता? क्या यहाँ बैठे प्रवक्ता साहब के पास व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आता, ना कभी उनके पास कोई गूगल फोल्डर आता है जिसमें प्री मेडिटेटेड ट्वीट होती है? क्या हमारे देश के बड़े बड़े कलाकारों को, बड़े बड़े स्पोर्ट्स हस्तियों को, बड़े बड़े और कलाकारों को ऐसे मैसेजेस नहीं गए जो आइडेंटिकल कट
कॉपी पेस्ट ट्वीट गए? क्या भाजपा ने टूल किट का इस्तेमाल नहीं किया? क्या भाजपा जब प्रोटेस्ट करने जाती है तो क्या यहाँ बैठे पैनलिस्ट साहब को मैसेज नहीं आता कि ये देखिए ये गूगल ड्राइव है, इसके अंदर बहुत सारे आपके पोस्टर है, इस पे बैनर है, ये सोशल मीडिया पे चलाइएगा, ये नारे लगाइएगा, क्या वो टूल किट इस्तेमाल नहीं करते? तो ये किस टूल किट की बात कर रहे हैं? और यदि इस छोटी लड़की ने, ये 21 साल की लड़की ने, जो अभी तक हमारे आगे वाली जनरेशन के लिए कुछ अच्छा करने के लिए अपनी आवाज उठाती आई थी, और आज अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसे सार्वजनिक करिए, बताइए कि कैसे उससे दंगे हुए, बताइए कैसे प्रतीक जी आपका, मेरा और हमारे बच्चों का भविष्य उससे खराब हो रहा है, बताए वो कि पुलिस के मुताबिक, कि क्या उसने पुलिस के मुताबिक, क्या उस पुलिस के मुताबिक जी से दंगे कराए? पुलिस के मुताबिक 26 जनवरी में जो हिंसा हुई, अफवाह जो फैलाई गई, और जो उसका टूल किट था वो वही था जिसके लिए अभी गिरफ्तारी हुई। दिशा की, प्रतीक जी पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आती, हमारा देश वही देश है, आपको याद है ना प्रतीक जी, आप और मैं कोरोना के टाइम पे डिबेट पे बैठे थे, तब हम तबलीगी जमात के ऊपर डिबेट कर रहे थे और ये सामने आया था कैसे हमारे एनएसए साहब रात के अंधेरे में उनके वहां पे पहुंच गए थे और उनके लीडर को पकड़ लिया था और सब कुछ कंट्रोल में कर लिया था। ये वही सरकार है जो एक दीप सिद्धू को नहीं पकड़ पाई इतने दिनों तक, ये वही सरकार है तो अभी तक जिन्होंने सिंघू बॉर्डर पे बड़े बड़े पत्थर मारे थे उन किसानों के ऊपर, उन लोगों को नहीं पकड़ पाई है। और 21 साल की एक लड़की का एक हमें तो बड़ी हंसी आ रही है, आप वकील भी हैं, आप वकील भी हैं, इतने इंटेलिजेंट और इतने वकील भी है। नहीं नहीं हम क्या कह रहे हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका जी बहुत इंटेलिजेंट प्रवक्ताओं में मैं इनको मानता हूँ, वो हैं भी, ये कैसे उल्टी वकालत कर सकती है? नहीं नहीं जब इनकी सरकार थी तो इनके मैं केस गिनवा देता हूँ, जरा 4-5 गिनवा देता हूँ फिर आगे बात करेंगे। 2005 में सिमरनजीत सिंह मान क्या किया था, कितने दिन जेल में रखा था इन्होंने? 2007 में विनायक सेन कलकत्ता वाले कितने दिन जेल में रखा था? 2010 में अरुंधति राय किस बात पे, उनको स्लोगन शाउटिंग के बाद पे 124 से लगाई थी। 2012 में असीम त्रिवेदी जिसने कार्टून बनाए थे उसको जेल में किसने रखा था? क्या बातें कर रहे हो आप लोग, कानून की एजेंसी अपना काम करती है, अगर एफआईआर हुई है, अगर प्रीमा फिसाई इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज किसी के खिलाफ आई है, और वर्ड यूज हुआ है कि शी इज की कॉन्स्पिरेटर, की जब बिगर एविडेंस के तो नहीं कह सकते, उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, मजिस्ट्रेट जब रिमांड देता है तो पुलिस की केस डायरी देखता है और पूछता है थानेदार से कि बता इसके खिलाफ क्या है, तब तेरे को रिमांड दूंगा नहीं तो नहीं दूंगा। कानून को अपना काम करने दीजिए, क्यों गुमराह कर रहे हैं हमें तो ये नहीं समझ आती। जब आपकी सरकार होगा तो कानून सही है, तो एजेंसियां सही है, और जब दूसरे की सरकार होगी तो कहेंगे नहीं 21 साल की लड़की है। अरे भाई कानून के सामने ना 21 साल होता है ना 8 साल होता है, माइनर को भी जेल होती है, उसके लिए भी अलग बोर्ड बना हुआ है, तो चीजों को गुमराह करने से नहीं होंगे। और पुलिस की जांच में जो चीजें आई हैं, इसी लड़की ने टूल किट क्रिएट की थी, उसके बाद स्वीडन उसको ग्रेटा थनबर्ग को भेजा, और उसके बाद जूम पे मीटिंग हुई, पूरी कॉन्स्पिरेसी फ्रेज की गई, ये खालिस्तानी मूवमेंट का कौन है ये धालीवाल, ये भी उसका हिस्सा था। तो देखिए इसको इतनी आसानी से न लीजिए, और जो 26 जनवरी पे लाल किले में हुआ ये उसी की इन्वेस्टिगेशन के चलते 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 ये इन्वेस्टिगेशन की कड़ी वहां तक पहुंची है। और ये मत भूलिए कि सब चीज अंडर जुडिशियल स्क्रूटनी है, अगर कोई चीज नहीं होती तो मजिस्ट्रेट फौरन एक सेकंड में कहता है इनको डिस्चार्ज करिए। हम तो जानते हैं ना चीजें, आप भी ये चीजें जानती हो, तो अपनी सरकार की तरफ देखिए, फिर हमारी मोदी विरोध में इतना ना हो जाइए कि हर चीज को विरोध करेंगे। अरे भाई कल को मान लो अगर आपकी सरकार आएगी और कल को थी तब क्या करेंगे, तब ये कानून तो यही रहेगा। ये कानून कब बना था, ये ब्रिटिशर्स ने ये कानून बनाया था, आपने 70 साल राज किया, क्यों नहीं इस कानून को हटा दिया, क्या अगर मिसयूज हो रहा था? देखिए इन चीजों से नहीं चलता है। मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि 3 लोग इस कड़ी में पूरी तरीके से फंस चुके हैं और उनके खिलाफ एनफ एविडेंस है, उन्होंने खुद इंटेंशनली चीजें डिलीट की है, उसको रिक्रिएट किया जाएगा,
उसको रिट्रीट किया जाएगा उन चीजों को, और एविडेंस निकलेगा तो सजा मिलेगी, नहीं तो बाइज्जत बरी हो जाएंगे। तो इसमें सरकार पे क्यों आरोप लगाएंगे जी? राधिका कुछ बोलना चाहती है कि मैं खड़े हो जाएंगे, ये हमारा कहना है। राधिका, नाउ डिबेट इज ओपन, नाउ डिबेट इज ओपन। राधिका, प्रतीक जी, उस टूल किट में अभी तक जो बताया गया वो ये था कि उस टूल किट में ये लिखा गया है कि आप एम्बेसीज के बाहर जाके प्रोटेस्ट करिए, आप सोशल मीडिया स्टॉर्म करिए। क्या उससे दंगे हो गए? और अगर उससे दंगे हुए हैं तो क्या जो दीप सिद्धू, जो सब जानते हैं कि वो भाजपा का ही आदमी है, वो बार बार साबित हो गया, जितना भी ये छुपा ले, जितना भी ये कह ले ये हमारा नहीं है, सनी देओल साहब ने छाती ठोक ठोक के कहा था और कहा था ये मेरा छोटा भाई सिद्धू रिमांड पे है, वो भी पुलिस रिमांड पर है। सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, सर मैं आपकी पूरी इज्जत करती हूं, सिद्धू पुलिस रिमांड पर है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। वो भी जुडिशियल स्कूटी में है, उसको भी अरेस्ट किया गया है। मुझे कंप्लीट करने दीजिए जी। जो ये ट्वीट्स होती है मैं बार बार बोलूंगी, कोई भी प्रोटेस्ट करने जाते हैं, क्या भाजपा सरकार के लीडर्स ने, नेताओं ने क्या कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के ऊपर सवाल नहीं उठाए? क्या स्मृति ईरानी जी, क्या मोदी जी ने स्वयं ट्वीट नहीं करे थे बड़े बड़े? मैं यहाँ पे ट्वीट की लिस्ट अगर प्रतीक जी पढ़ना शुरू कर दूंगी शो खत्म हो जाएगा और किसी की बारी नहीं आएगी। क्या सब ट्वीट वायलेंस इंडिकेट करती है? अगर सब मिलकर आवाज उठाना चाहते और किसानों के हक के लिए, क्या हमारा संविधान हमें हक नहीं देता कि हम अपने हक की लड़ाई लड़े, क्या हम अपने हक की मांग करें? वो किसान जो 70 दिन से 80 दिन से वहां शांतिपूर्वक डॉक्टर के के शर्मा देखिए, अभी मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को सुन रहा था, वो गांधी जी के बड़े बड़े गीत गा रही है। इसी किसान आंदोलन के तहत वाशिंगटन में अभी गांधी जी की मूर्ति का को तोड़ दिया गया, उसको भंजन किया गया, उस पे कालिक पोते गए, तब इन लोगों की आवाज बंद हो गई, तब गांधी जी इनको नजर नहीं आए, इन कांग्रेसियों, वो विदेश में हो रहा था ये सब, लेकिन इसी संग उसके किसान आंदोलन के तहत हुआ, एक विषय। दूसरा, इन्होंने अभी बिनाया वाजपेयी साहब ने कोडाकुलम में 9,000 प्रतीक जी 9,000 लोगों पर एक साथ राजद्रोह का केस लगाया है इन्होंने, वो भी मैं आपको डेट और सन भी बताता हूं, दिसंबर 2011, 9,000 लोगों पर एक साथ लगाया था इन लोगों, उसमें बच्चों से लेके महिलाएं तक, तब इनकी आंखें बंद थी। अभी ये बार बार उठाया जा रहा है कि उसमें क्या हुआ था और इसने क्या किया है। दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कोड भी किया, वाजपेयी साहब ने भी किया, इसके बाद एक और मैसेज उन्होंने जारी किया दिल्ली पुलिस ने, ज्वाइंट सीपी ने, कि निकिता जेकब इज को ऑथर एंड दिशा रवि इज एडिटर ऑफ टूल किट। इस टूल किट के ऑथर और एडिटर ये दोनों हैं, और इन्हीं लोगों ने ऑलरेडी उससे जो खालिस्तानी है उसके साथ मीटिंग करके ये सारा प्रोग्राम और प्रोपोगंडा कराया। ये तो कहते थे कि किसान आंदोलन ये तो देश के किसानों का है, गांव गरीब किसानों का आंदोलन है, तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, इसको कौन दिशा दे रहा है? विदेश से दिशा हो रहा है इसका, खालिस्तानी कर रहे हैं। और ये खालिस्तानी की जब हम बात बोलते हैं प्रतीक जी, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी के नेता की, रवनीत सिंह बिट्टू का, खुलेआम उन्होंने आके कहा कि सिख फॉर जस्टिस उसके पीछे खड़ा लगा हुआ है। मैं ये कहता हूं कि किसी ने नहीं कहा किसानों को खालिस्तानी, लेकिन खालिस्तानी को कांग्रेस किसान कैसे बता सकती है? मैं ये पूछना चाहता हूं प्रतीक जी। संजीव झा, मैं आ रहा हूं, राधिका आ रहा हूं, संजीव झा प्लीज रिस्पॉन्ड, मैं आ रहा हूं उसके बाद। देखिए, मैं आप अगर बीजेपी के सभी प्रवक्ताओं को आपने गौर से सुना होगा तो आपने देखा इन्होंने कहा कि चूंकि कांग्रेस ने भी अपने समय में डिसेंट वॉइस को दबाया था, इसीलिए डिसेंट वॉइस को दबाया जा रहा है। एक चीज समझिए कि मैं बार बार उदाहरण बताया कोशिश कर रहा हूं, मैं बार बार, एक ना मुझे बोलने दीजिए, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है, मैं बार बार कह रहा हूं कि उस टूल किट में किसान के समर्थन की बात कही गई थी, तो क्या किसान का समर्थन करना देशद्रोह है क्या? दूसरी बात, यह कहा गया है कि एडिट किया गया, जरा ये भी बता दीजिए क्या एडिट किया गया। एक प्रवक्ता कहते हैं कि ये तीनों जी नप गए, यानी इनको पहले ही पता है कि जो दिल्ली पुलिस जो बात नहीं कह पा रही है, इनको वहां से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिल गई कि तीनों नप गए और तीनों अपराध में शामिल थे। एक बात समझिए, पूरे पैटर्न को देखेंगे बीजेपी के शासनकाल में, तो जो बीजेपी के विरोध करता है वो देशद्रोही हो जाता है और खुद को अपने आप देशभक्त साबित कर लेते हैं।
मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए इस देश के जनतंत्र को ऐसे खत्म नहीं कर सकते आप। मेरा ये मानना है कि आप, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपातकाल के समय में जो लोग देश में जेल में बंद थे, आज अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त कहते हैं, और आज तक उसी तरह की आपातकाल हो रहा है तो क्यों नहीं आप बोल रहे हैं? मुझे ये लगता है कि जो लोग चुप हैं, अगर समझते हैं कि आज मैं साथ हूं तो मेरे साथ, आज अगर कल आप विरोध करना शुरू कर देंगे तो कल आप भी देशद्रोही हो जाएंगे। मेरा ये एक मानना है कि 21 साल की बच्ची, मैं बार बार एक ही सवाल सभी प्रवक्ता बीजेपी की जो हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर टूल किट में किसान समर्थन की बात कही गई थी, आपने कहा कि एडिट कर दिया गया साजिश, क्या एडिट कर दिया गया उसमें ये भी तो बता दीजिए। तो मुझे ये लगता है कि किसान आंदोलन से सरकार डरी हुई है, इस किसान आंदोलन को दबाने के लिए एक नई दिशा देना चाहता है, ये साबित करना चाहते हैं कि वहां जो बैठे हुए सब देशद्रोही लोग, इनके बार बार अलग अलग प्रवक्ता कहते भी रहे, अलग अलग नेता इनके कहते भी रहे, लेकिन एक बात मान लीजिए कि वहां पे जो 100 किसान मरे, जरा उसके घर जाके पता कर लीजिए क्या वो खालिस्तानी थे क्या, वो किसान नहीं थे क्या? मुझे ये लगता है कि इस तरह से आप जो करना चाह रहे हैं ये देश के लिए ठीक नहीं है, जनतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कम से कम हम बहुत संघर्षों के बाद देश को आजादी मिली, देश को जनतंत्र मिला, उसको आप ऐसे खत्म करने की कोशिश न कीजिए, जो आपातकाल था उसको फिर से रिपीट करने की कोशिश न कीजिए आप। राइट राइट संजीव, मैं दो मिनट का एक जवाब दे, एक उसका जवाब देना चाहता हूँ प्रतीक जी। जी बिल्कुल, देखिए मैं फिर अभी ये बार बार संजीव जी जो प्रश्न उठा रहे हैं कि उस टूल किट में क्या था, उस टूल किट को क्या एडिट किया, क्या है, मैं फिर पुलिस का जो है प्रशासन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी एक लाइन फिर कोट कर रहा हूँ। मुझे लगता है संजीव जी ना पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके आए ना उनके पास, मैं दोनों देख चुका हूँ पुलिस के इन्फॉर्मेशन भी, आपको पता होगा मैं जो किस तरह से संजीव जी आपको पता होगा मैं जानता हूँ, और आपका तो ट्रैक इतिहास है, आपने तो देशद्रोही केसों को 4-4 साल दबा के अपने यहाँ बैठे रहे, और जब कोर्ट के आपको जो है जब लताड़ा है तब जब वो कन्हैया और इनके केस आपने बाहर निकाले, ये आपके इतिहास है, ये मंदिर है कन्हैया। अब सुनिए मैं आ रहा हूँ, प्रतीक जी आप एक मिनट सुन लीजिए, मैं कोर्ट कर रहा हूँ और मैं आपका इतिहास इसलिए बता दिया, और आपको आप मेरा इतिहास आपको बताने की जरूरत नहीं है, दिल्ली की जनता ने अपना मैंडेट देकर बता दिया। प्रतीक जी इतिहास क्या है, प्रतीक जी सुन लीजिए, आपके नेता तो स्वयं कह चुके हैं कि मैं अराजक हूँ, केजरीवाल साहब का ये बहुत फेमस है, आपसे नहीं लेना है ना, ना 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 आप अपने आप की है। प्रतीक जी एक मिनट सुनिए, आप इनको थोड़ा शांत करा, ये तो मैं अपनी विरोध करना अराजकता नहीं, और दिल्ली की जनता ने दो लाइन बोल देता हूँ कि आखिर हमारा इतिहास क्या है। आप सुन लीजिए पुलिस के मुताबिक ये खालिस्तानी ग्रुप को दोबारा खड़ा करने की बड़ी साजिश है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिशा और टूलकिट से जुड़े अन्य लोग खालिस्तानी संगठन पैट्रिक जस्टिस फाउंडेशन के धालीवाल के संपर्क में थे। हालांकि दिशा ने धालीवाल या पैट्रिक जस्टिस फाउंडेशन से किसी लिंक से होने से इनकार किया है, लेकिन उसने अपने फोन से लिंक और उसको हटा दिया है, यह स्पष्टता से कहा गया है उसमें। मैं ये पूछ रहा हूं, आपको खालिस्तानियों से कोई दर्द नहीं, क्यों? क्योंकि आपको वोट बैंक की राजनीति करनी, ना देश के अंदर में आतंकवादी गतियां बढ़ रही है, और आपको वोट बैंक करनी है, वो आपको वोट बैंक की राजनीति चाहिए, देश सवाल जवाब रहेंगे भाटी जी के पास और प्रोफेसर रागी के पास मुझे जाना है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद यहीं से शुरुआत करेंगे। भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है, बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। ब्रेक से पहले ये बात हो रही थी कि टूल किट में ऐसा क्या था, सोशल मीडिया के जरिए ऐसा क्या था, ट्विटर में ऐसा क्या था जिसके जरिए इतना बड़ा एक 21 साल की एक लड़की को गिरफ्तार किया गया, उस पर धाराएं वो लगाई गई देशद्रोह से लेकर षड्यंत्र की वाली बात ये था। दरअसल जो पुलिस के मुताबिक ये हिंसा फैलाने का और साथ साथ भारत में सामाजिक ताना बाना तोड़ने का आरोप, और तीसरी बात ये कि खालिस्तानी समर्थकों के जुड़ने का आरोप है, ये बातें हैं जो इस बात के लिए है कि देश की अस्थिरता, देश की में अस्थिरता फैलाने का मूलतः आरोप है। भाटी जी मैंने कहा था ब्रेक के बाद मैं आपके पास आऊँगा, मैं आप ही से शुरू करूँगा, और विपक्ष क्यों खड़ा है ये जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि तय तो कोर्ट को करना है। प्रतीक जी आज के डिबेट में थोड़ा सा मेरे साथ अन्याय हो रहा, मुझे अपनी बात कहने ही नहीं दी गई। असल में मैं वहीं से शुरू करूंगा कि पूरी दुनिया हम पे आज हंस रही होगी, और इस बात का जो के शर्मा जी व्यंग कर रहे थे इस बात पे,
हंस इसलिए रही होगी कि माननीय मोदी जी ने और उनके समर्थकों ने इनकी सरकार ने कौन सा वर्ग देश में ऐसा छोड़ा है जिसे लांछित ना किया हो, जिसे अपमानित ना किया हो, जिसे देशद्रोही ना बताया हो, आतंकवादी ना बताया हो। कॉलेज के छात्रों को ये टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, बुद्धिजीवियों को ये शहरी नक्सली कहते हैं, किसी समाजवाद कर सेकुलरिज्म को ये गाली देते हैं, गांधी के विरोधी हैं, अंबेडकर के विरोधी हैं, अल्पसंख्यक समाज पर इन्हें भरोसा नहीं है। अल्पसंख्यक समाज ने जब आंदोलन किया अपने मुद्दों को लेकर तो उन्हें पाकिस्तान का एजेंट बता दिया गया, कोरोना काल तक में लांछित किया गया एक वर्ग विशेष को। और ये जब इनका को हमें चिंता इस बात की है, हमें देखिए देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र करता है, देश के खिलाफ कहीं कोई बात हो रही है, हम क्यों उसका समर्थन करेंगे और हम क्यों उसकी वकालत करेंगे? क्या देश का ठेका इन्होंने लिया? देश के लिए हम लोगों ने खून बहाया, हम लोगों ने देश को आज़ाद कराया, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है, हमारे परिवारों से फौज में पुलिस में लड़के हैं जो आज भी सीमाओं पर लड़ रहे हैं। तो इस तरह से बात को हवा में उड़ा देना, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ये कार्रवाई एक मामूली आंदोलन को, किसान आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को उससे जोड़ा जा रहा खालिस्तान से, खालिस्तान का नाम लोग भूल चुके थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पिछले 3-4 महीने में जितना खालिस्तान खालिस्तान चिल्लाया है, पूरी दुनिया खालिस्तान सुन रही होगी क्या, ये तो खुद एक देश को बदनाम करने की बात है। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये जो भी आंदोलन करेगा वो देशद्रोही है, ट्वीट करने पर आप गिरफ्तार कर लेंगे। एक पत्रकार ने उत्तर प्रदेश में ये दिखा दिया, ये वीडियो बना दिया कि बच्चे नमक से रोटी खा रहे थे मिड डे मील में, उस पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल दिया गया। हम प्रश्न इन पे उठाते हैं, ये कहना मखौल उड़ाना कि 21 साल का बुरहानवानी भी था और वो ये सवाल ये नहीं है। खरगोश का रंग और भेड़िया का रंग एक जैसा होता है, अब कोई कहने लगे भेड़िया भी इसी कलर का है, खरगोश को कैसे माफ कर दें, ये तो कोई बात नहीं हुई। जितनी लंबी दाढ़ी ओसामा बिन लादेन की थी उतनी लंबी दाढ़ी हमारे प्रधानमंत्री की कोई तुलना हो सकती है? मैं तो इसे अपमानजनक मानता हूँ। प्रधानमंत्री की तुलना अगर ओसामा बिन लादेन से की जाए, मैं इसे अपमानजनक मानता हूँ। तो इसलिए हाँ, इसलिए दिशा की तुलना बुरहानवानी से करना यह भी अपमानजनक है। एक बच्ची की, इनोसेंट बच्ची की तुलना बुरहानवानी से, इनोसेंट बच्ची की तुलना करना बहुत गलत बात है, इनोसेंट बच्ची की तुलना करना गलत बात है। बिल्कुल भाटी साहब आपने बात कही जी, बिल्कुल राइट जी। क्या टूटते हैं देश, कहना चाह रहा हूँ भाटी जी ने एक दूसरी चर्चा प्रारंभ की कि देश का सारा वर्ग जो है उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, सारा वर्ग हमसे नाराज खड़ा है, सारा वर्ग हमसे नाराज खड़ा है। लेकिन कौन छोड़ा आपने? अब सुन लीजिए, अब बीच में मत बोले भाटी साहब, आपका बहुत सीनियर आदमी। अब सारा वर्ग यदि नाराज खड़ा है तो अभी एक साल पहले लोकसभा के चुनाव हुए, हमें 282 से 303 सीट मिली, तो ये दिखा दिया कि कितना वर्ग, कौन सा वर्ग हमसे नाराज है। और आपकी क्या हालत किया, आपके पाकिस्तान वहां क्या हालत है यूपी के अंदर, ये अपना गिन लीजिए। लेकिन एक आज इन्होंने हमारी ऐसी हालत थी जैसी 2012 में आपकी हुई थी उत्तर प्रदेश में। एक मिनट, जो हालत आपकी 2012 में हुई थी, आपकी 47 सीट थी, हमारी 51 सीट है, लेकिन हम घमंड में नहीं फूले थे, आप घमंड में फूल जाते हो। आप जो बार बार ये कहते हो 2012 में उत्तर प्रदेश में जो आपकी पार्टी की हालत हुई थी वो आप इस 17 में हमारी हो गई। आपकी 47 सीट उत्तर प्रदेश में आई थी 2012 में, लेकिन हमने अपमानजनक शब्द नहीं बोले थे, हमने आपका अपमान नहीं किया था, हमने आपका सम्मान किया था, क्योंकि सम्मान करना चाहिए। मैंने इसलिए इनको कहा कि देश भर का ठेका यही ले लिए हैं सब लोगों के नाराज होने का और यही ठेकेदार बने। अरे सबका ठेका, हमारा भी आपका भी, प्रतीक जाकर सबका देश है। प्रतीक जी, अब इन्होंने एक आतंकवादी की तुलना देश के प्रधानमंत्री से की, इसकी तो मैं घोर निंदा करता हूँ। लेकिन अभी इन्होंने पाकिस्तान की यदि बात की तो मैं आज इनको याद दिलाना चाह रहा हूँ, अभी आपके यहाँ ही न्यूज में चला है, मैं उसी का रेफरेंस आपके सामने रख रहा हूँ। इमरान खान की पार्टी तारीख इंसाफ, इसने ट्वीट किया है आज इसी दिशा रवि, यानी दिशा रवि के विषय पर, और ये कहा है कि ये कार्रवाई भारत द्वारा किया जाना, ये आवाज को दबाना है जो है मानवाधिकार का उल्लंघन है, और यही ये जो ये सरकार ने, यानी भारत ने जो क्रिकेटरों का जो उपयोग किया है और जो हीरो हीरोइन का उपयोग किया है ट्वीट करा के, और ये भी जो है गलत है जो बात अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी। तो आप देखिए ये कितनी बड़ी विडंबना है कि पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों के जो ट्वीट है वो दोनों के ट्वीट सिमिलर है,
और ये पूरा योजना क्या है, यही है ना कि आप यानी जो देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं या जो राष्ट्र के हित में है उसको बचाव करते हुए भारत को पूरे विश्व में बदनाम करना। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, संगीत बाकी एक एक बात करके खत्म करता हूँ, क्योंकि इसके पहले भी ये कहा गया कि पाकिस्तान से खालिस्तानियों के तवातवार जुड़े हुए हैं, और आज वो चीज स्पष्ट हो रही है कि कांग्रेस की आवाज और पाकिस्तान की आवाज और ये विपक्षियों की आवाज ये सब एक भाषा बोल रही है और पूरे भारत को विश्व में बदनाम कर रही है। और एक चीज और याद दिला दूं प्रतीक जी, यही विद्या देवी जो अभी हरियाणा का आपने जिक्र किया, क्या कह रही है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है और 26 जनवरी के बाद हमें कुछ हिम्मत मिला है तो उनको सब्जी दो, रोटी दो, घी दो, और जरूरत पड़े उन्हें दारू भी पिलाओ, दारू भी बांटो उनको। कांग्रेस अपने को राजनीतिक राइट करने के लिए किसानों को शराब पिला रही है, ये राइट सर, राइट सर, किसान आंदोलन। और यहाँ बैठे राठी साहब, आपका जो है एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकल रहा है, आप तो बड़े किसान आंदोलन के पवित्रता के समर्थक थे, शराब बटवाएंगे किसानों को कांग्रेस से, राधिका को देना चाहता हूँ चांस, उसके बाद मैं आपको दे दूंगा, उसके बाद दे दूंगा, राधिका, राधिका दे उसके बाद। प्रतीक जी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, जल्दी से राधिका टाइम नहीं है, बार बार बोल रहे हैं कि हम बार बार देश का नाम बाहर बदनाम कर रहे हैं, आप लोग क्या करते हैं, आप तो देश विदेशियों को अपने देश में बुलाते हैं सर्टिफिकेट के लिए, स्टैंप मांगने के लिए, जब आपने कश्मीर से 370 हटाई थी 17 देशों के लोग आए थे, अभी फिर 4-5 दिन में फिर आ रहे हैं विदेशी ये देखने कि चुनाव होने के बाद क्या तकनीकी क्या सिक्योरिटी के इंतजाम है देश के अंदर, बार बार तो आप देश का मजाक उड़ाते हैं, बार बार आपको स्टैंप ऑफ अप्रूवल बाहर से चाहिए, और फिर वही विदेशी अगर आपसे सवाल कर लेते हैं कि आप अपने किसानों के साथ क्या कर रहे हैं, आप क्यों अपने किसानों के लिए बड़ी बड़ी कीले लगा रहे हैं, तो आपको बड़ी चुभ जाती है। आप बार बार बोलते हैं कांग्रेस ने ये कर दिया, इतने केस कर दिए, 405 सेडिशन के केसेस हैं जो भाजपा की सरकार 2014 के आने के बाद इस देश ने देखे हैं, जो आपने अन्य जर्नलिस्ट पे लगाए हैं, आपने आम आदमी पे लगाए हैं, हर उस इंसान पे लगाए हैं जिसने सवाल किया कि प्रधानमंत्री ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री से सवाल करना लोकतंत्र में गुनाह है, क्या सेडिशन के लिए गवाएंगे आप केस, आप बात बात पे ये क्या बोलते हैं कि हम लोग देशद्रोही हैं, अरे जिन लोगों ने अंग्रेजों को लंबे लंबे माफीनामे लिखे थे और जिनका एक भी योगदान नहीं था और एक भी शहीद नहीं था इस देश की स्वतंत्रता के लिए, वो हमें ना सिखाए कि देशभक्ति क्या होती है, जिनके लोग जाके किसानों पर पत्थर फेंकते हैं, जिनके लोग जाके 26 जनवरी को हमारे तिरंगे का अपमान करते हैं, वो यहाँ पे बैठ के हमें ज्ञान ना दे, और ना भाजपा के प्रवक्ता ने ना यहाँ पे आरएसएस के प्रवक्ता ने एक बार बोला कि ये गोडसे का देश नहीं है, और आज आपके माध्यम से प्रतीक जी पूरे देश ने देख लिया कि ये इनके मुताबिक गोडसे का देश है, और ये इनके लिए महात्मा गांधी जी सिर्फ नाम के लिए और सिर्फ अपनी चलाई हुई कुछ जो ये लेकर आते हैं चीज गांधी जी के नाम पे चलाते हैं, और स्टैच्यू के लिए इनको गांधी जी से उनकी शिक्षा से पटेल जी से उनकी शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, ये गोडसे के भक्त हैं और रहेंगे, ये भाजपा भी और ये आरएसएस के प्रवक्ता भी, किसी ने भी एक बार नहीं बोला ये गोडसे का देश नहीं है, और आप गवाह है। संगीत रागी प्रतीक जी, गांधी जी ये नहीं कह करके गए होंगे कि कांग्रेस का एक दिन वो दिन आएगा जिसमें माँ के बाद बेटा, बेटा के बाद माँ, माँ के बाद बेटा, पुत्री परिवारवाद में कन्वर्ट कर जाए, ऐसा लोकतंत्र। देखिए मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था प्रतीक जी, प्रतीक जी, प्रतीक जी, मैंने ये गलत, राधिका प्लीज लिसन राइट जी, नहीं ये तो गलत बात है प्रतीक जी, दूसरी बात, गांधी जी ने तो स्वदेशी की बात कही थी, गांधी जी ने तो कहा था कि जो रिलीजियस कन्वर्जन होगा वो बैन होगा, गांधी जी ने तो यह कह करके गया था, कह करके गए थे कि गाय की हत्या जो है वो बिल्कुल नहीं हो जानी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया साहब, संस्कृत और हिंदी के बारे में बात की थी, कांग्रेस पार्टी तो उसके बारे में बात ही नहीं करती है, गांधी के आदर्शों की हत्या नेहरू ने शुरुआत की थी, प्लीज मैंने बीच में नहीं बोला था प्रतीक जी, मैं आइडियोलॉजिकल डिबेट कर रहा हूं, मैं राधिका राधिका कर रहा हूं, मैंने गांधी का स्वराज पढ़ लीजिए राधिका जी, आपको पता लग जाएगा, राधिका प्लीज राधिका प्लीज लिसन, वाचाल ज्यादा है उनको, पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं होता है, गांधी वांग्मय पढ़ लीजिए, इसके बाद आप बात कीजिएगा गांधी और नाथुराम गोडसे का। दूसरी बात,
किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह पर आरोप लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपने पूरे समुदाय पर आरोप लगा दिया है। यदि यदि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ राहुल गांधी जाते हैं तो लोग तो बात करेगा। यदि चाइना की एम्बेसी में गुपचुप करके राहुल गांधी बात करते हैं तो राहुल गांधी के खिलाफ और सोनिया गांधी के खिलाफ ये सख्त तो पैदा होगा ना देश को कि आखिर कौन सी साजिश का हिस्सा गांधी परिवार है? क्या गांधी परिवार को बाहर की ताकतें नियंत्रित करती है? ये सवाल मुझे 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 कहने में कोई हिचक नहीं है राधिका कि ये मुल्क गांधी का है, उनके आदर्शों को ही मानता है आदर्श। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर मिलेंगे, उठाएंगे आवाज, बने रहिए हमारे साथ।